हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल हज्जन किचन। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ खस्ता करारे और क्रिस्पी अनरसे की रेसिपी। बिना चीनी के बनाएंगे फ्रेंड्स हम आज के अनरसे और बिल्कुल हलवाई जैसे बना के तैयार करेंगे। तो चलिए फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अनरसे बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है आधा किलो गुड़। आज के अनरसे हम फ्रेंड गुड़ से बनाएंगे, चीनी का हम बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे इसमें। और एक कप चावल का आटा और हाफ कप गेहूं का आटा। और सबसे पहले हम यहाँ पे गुड़ को मेल्ट करेंगे। यहाँ पे हम लेंगे कढ़ाई में थोड़ा सा पानी और इसमें डालेंगे हम गुड़, और गुड़ को हमें बहुत अच्छे से मेल्ट कर लेना है। इसको हम पका के मेल्ट कर लेंगे। गुड़ हमारा मेल्ट होना शुरू हो चुका है। इसको हम चलाते हुए बहुत अच्छे से मेल्ट कर लेंगे और तेज़ आंच पे पकाएंगे इसको। ये देखिए यहाँ पे मैंने गुड़ के पानी को बहुत अच्छे से छान लिया है। और अब हम गैस की फ्लेम को कर देंगे बिल्कुल बंद और इसमें हम डालेंगे चावल का आटा और इसमें डालेंगे गेहूं का आटा। और इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है जिससे कि इसमें कोई भी लम्स नहीं पड़े। और इसको हम चलाते रहेंगे और हमें इसको ड्राई कर लेना है। इसको हम बहुत अच्छे से ड्राई कर लेंगे और अब इसको हम ट्रांसफ़र कर लेंगे एक बाउल में। और बाउल में फ्रेंड्स हम इसको एक घंटे के लिए रेस्ट पे रख देंगे, जिससे कि ये अभी और थोड़ा सा सख्त हो जाए। हमें इसका एक डोसा बनाना है, इसलिए हम इसको अभी थोड़ा सा और सख्त करेंगे। और ये देखिए एक घंटा हमारा हो चुका है इसको रेस्ट पे रखे हुए। और अब हम बनाएंगे अनरसे। ये देखिए यहाँ पे हम छोटा सा पोर्शन लेंगे चावल और गेहूं का। इसको हम करेंगे पानी में डिप। पानी में डिप करके इसको हम कोटिंग करेंगे तिल की। पानी पे डिप करने से ना फ्रेंड्स इसमें बहुत अच्छे से तिल की कोटिंग होती है। ये देखिए फ्रेंड जैसे बाजार में बनके तैयार होते हैं ना, हम बिल्कुल उसी तरह से बना रहे हैं। ये देखिए अब इसको हम इसमें लगा देंगे अब हम तिल, और तिल लगा के इसको साइड में रख देंगे और सारे अनरसे हम इसी तरह से बना लेंगे। और सारे अनरसे मैंने इस तरह से बना के रख लिए हैं। अब इसको हम एक एक करके अब हम इसको करेंगे फ्राई। और फ्राई करने के लिए यहाँ पे देखिए मैंने कढ़ाई में ऑयल ले लिया है। ऑयल हमारा ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं है, ज़्यादा तेज़ गरम ऑयल नहीं करना है हमें, क्योंकि अगर हम ज़्यादा तेज़ गरम ऑयल में इसको डालेंगे तो ये जल जाएंगे। अब इसको हम मीडियम टू लो फ्लेम पे बहुत अच्छे से पकाएंगे। और जिस तरह से फ्रेंड्स हमारे बाज़ार में बनके तैयार होते हैं ना अनरसे, इसी तरह से हम इसको फ्राई करेंगे बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पर। और ये देखिए फ्रेंड्स हमारे अनरसे बिल्कुल बन के तैयार हो चुके हैं, बिल्कुल बाज़ार की तरह ही बन के तैयार हुए हैं। और आप भी इस रेसिपी को बहुत आसानी से घर में ट्राई कर सकते हैं। आप भी इसको बना के ज़रूर देखिएगा, बहुत ही आसान रेसिपी है। बहुत ही खस्ता क्रिस्पी और टेस्टी अनरसे हमारे बनके तैयार हो चुके हैं। और आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।